अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, नहीं तो मैं आपका फोन जला दूंगा। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हीरो ब्रायन टेरर से बचने के लिए छिप जाता है। उधर टेरर अमित और सिमरन को लावा में डुबाने के लिए ले जाता है। सदा को और हीरो ब्रायन शादी कर लेते हैं और उन दोनों की पावर वापस आ जाती है। वो दोनों अमित और सिमरन को छुड़ा लेते हैं और हीरो ब्रायन टेरर का घर जला देता है। टेरर बदला लेने जाता है और अमित, सिमरन और हीरो ब्रायन तीनों को TNT से उड़ा देता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे ये क्या हो गया, मेरा पूरा ससुराल उड़ गया। मैं हीरो ब्रायन से नाराज होके गुफा में क्या चली गई? यहाँ तो सब खत्म ही हो गया। मेरे पापा के अलावा अब मेरा कोई नहीं रहा। किसी ने तीनों को ही मार डाला। अगर मैं इनके साथ रहती तो शायद इनकी मदद कर पाती। आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाई। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी और मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिसने ये सब किया है। बहन, ये सब तुम्हारे पापा टेरर ने ही किया है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। इसकी जिम्मेदार तुम ही हो। अगर तुमने हीरो ब्रेन से शादी ना की होती तो ये सब नहीं होता। हमने शादी हमारी पावर वापस लाने के लिए ही की थी। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। अब मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। हाँ बहन, ये तो कड़वी सच्चाई है और तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए हो तो बता देना। जरूर। चलो बहन, मैं चलती हूँ। पापा, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने मुझे बहुत दुख दिया है। चलो अब ऊपर जाने का समय आ गया है। पापा बाहर आओ, मैं आपकी खबर लूंगी आज। अरे बेटी आओ आओ, कहाँ थी तुम गन्ना चूस के? ये आपने क्या कर दिया, मेरे हीरो ब्रेन को मार दिया। बेटी वो तुम्हें धोखा दे रहा था, इसलिए मैंने सबको उड़ा दिया। ये आपने ठीक नहीं किया। हीरो ब्रेन ने मुझे धोखा नहीं दिया है। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अरे बेटी तुम कहाँ जा रही हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। पापा, ये हम कहाँ आ गए? ये जगह तो काफी खूबसूरत है। मुझे तो बस इतना पता है कि हम मर चुके हैं। अरे आइए आइए, स्वर्ग में स्वागत है आपका। ये अंकल कौन है? बेटा ये नोच देवता है, इन्हें प्रणाम करो। मैं नहीं करने वाला। लगता है आपके बेटे का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है। नोच देवता, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरे रोज का सीन है। प्लीज नोच देवता, हमें वापस जिंदा कर दो। हाँ, हमें उस टेरर के बच्चे को खत्म करना है। बच्चों माइनक्राफ्ट में ना ऐसा नहीं होता है। प्लीज नोच देवता, कुछ तो रास्ता होगा। देखो रास्ते तो बहुत हैं, पर मैं भी माइनक्राफ्ट के रूल्स को ना नहीं तोड़ सकता। आप ट्राई करो ना, कुछ तो सेटिंग हो जाएगा। हीरो ब्रायन बड़े तेज हो रहे हो। हमारा बेटा है ही ऐसा। एक रास्ता है, मैं तुम तीनों को ना एक नए वर्ल्ड में स्पॉन करता हूँ। वहाँ तुम्हें एक पोशन को ढूंढना होगा, उसे पीते ही आप तीनों वापस से ना जिंदा हो जाओगे, ठीक आपके मरने के 10 मिनट पहले। थैंक यू नर्स देवता। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब। तो यही है वो नया वर्ल्ड। ये हम कहाँ आ गए? ये जगह बहुत अजीब है, जल्दी से हमें वो पोशन ढूंढना होगा। ये चेस्ट यहाँ क्या कर रही है? पापा जल्दी जाके देखो, इसमें ही होगा पोशन। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो हमें मिल जाएगा। फिर भी जाके देखो कि क्या है इसमें। हाँ देखता हूँ, इसमें तो एक किताब है। लिखा है कि एक घर बनाओ और उसमें चेस्ट के अंदर ये किताब रख दो, तुम्हें एक नया क्लू मिलेगा। बेटे हीरो ब्रायन, हमें एक घर बनाना है तो तुम जल्दी से जाओ और लकड़ियाँ काट के लाओ। हाँ मैं अभी गया और अभी आया। लकड़ियाँ काटनी है, उसे जला मत देना। हमारा बेटा समझदार है, आप उसे ज्यादा टोका मत करो। बताओ मैं क्या हेल्प करूँ आपकी? तुम कुछ मत करो, बस आराम से बैठो। मेरा कुछ काम नहीं है तो मैं जाके मेकअप लगाती हूँ। तुम्हें मेकअप के अलावा और कुछ सूझता है क्या? नहीं। काट डालूंगा लकड़ी, तुझे काट डालूंगा, तुझे भी काट डालूंगा, पूरा पेड़ काट डालूंगा। ये लो पापा, मैंने लकड़ियाँ काट के ये ब्लॉक भी बना दिए है।
वाह, तुम तो काफी समझदार हो गए हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चलो अब मैं घर बना लेता हूँ, 5x5 का घर बनाता हूँ। 5 ब्लॉक तो लगा दिए और 4 इस तरह लगा देता हूँ। चलो अब बस डोर लगाना बाकी है। हो गया रेडी पूरा घर। अब घर के अंदर चेस्ट रखते हैं और उसमें ये बुक रख देता हूँ। बाहर जाके थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। चलो देखते हैं अब। अरे इसमें तो एक कंपास है, इसे रख लेता हूँ। ये शायद हमें पोषण के पास ले जाएगा। देखो सिमरन, मुझे एक कंपास मिला है। इसका क्या करना है? ये हमें किसी जगह पे ले जाएगा। तो चलो फिर। पापा मुझे भी तो दिखाओ। ये देखो बेटा, मेरे हाथ में दो ना ये। नहीं, तुम जला दोगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। आप अभी भी मुझे बच्चा ही समझते हो। अभी मामला नाजुक है तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, हमें काफी दूर जाना पड़ सकता है। अगर तुम लोग थक जाओ तो बता देना, हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे कहाँ गए ये दोनों? अभी तो यहाँ थे, जाके देखना पड़ेगा। क्या खाएगा बता, एप्पल खाएगा कि हड्डी? ओए हीरो ब्राइन, इधर क्या कर रहा है? देखो ना ये डॉगी कितना क्यूट है, इसे भी साथ ले चले। नहीं, तुम्हारी मम्मी किधर है? मैं इधर हूँ। क्या तुम भी रुक गई? चलो जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। ये फ्लावर में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी सूंघ के देखो। यार सबके सब टाइम पास कर रहे हैं, चलो नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। नहीं मैं आती हूँ। अब तुम दोनों मेरे साथ ही रहना, दूर मत हो जाना। आ रहे हो ना मेरे पीछे पीछे? हाँ हाँ आ रहे हैं, आप चलते रहो। सामने एक विलेज दिख रहा है, शायद वहीं पे कुछ हो सकता है। चलो तो जाके देखते हैं। लगता है हम कंपास वाली जगह पे पहुँच गए हैं। यहाँ नीचे की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। पापा तो जल्दी से यहाँ माइन करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ। हाँ करता हूँ। देखो यहाँ एक चेस्ट है और उसमें पोषण भी है, मैंने एक ले लिया है, तुम दोनों भी एक एक ले लो। पापा मैं पी लूँ इसे? रुको अभी, तुम्हारी मम्मी को भी ले लेने दो, सब साथ में पियेंगे। मैंने भी ले लिया। हीरोब्राइन पहले तुम पियो। हाँ मैं तो कब से वेट कर रहा था। सिमरन अब तुम्हारी बारी है। हाँ मैं अभी पीती हूँ। अब मेरी बारी है, आई होप कि हम वापिस जिंदा हो जाए। बताओ टेरर भाई ये TNT कहाँ लगाने हैं? रुको एक मिनट, पहले चेक कर लेते हैं कि वो लोग सो रहे हैं कि नहीं। देखो टेरर भाई सबके सब चैन की नींद सो रहे हैं। सोलो सोलो जितना सोना है, ये तुम्हारी आखिरी रात है। लगा दूं टेरर भाई? हाँ कोने कोने में TNT लगाओ। टेरर भाई TNT लग गए हैं। कोई कमी तो नहीं रह गई ना? नहीं टेरर भाई सब रेडी है, बस ये लीवर दबाने की देर है, इसे दबाते ही उनके चिथड़े उड़ जाएंगे। दबा दो टेरर भाई। ये लो दबा दिया गन्ना चूस के। चलो उठो जल्दी, हम जिंदा हो गए हैं और ये घर उड़ने वाला है। जल्दी बाहर चलो, जल्दी से भागो नहीं तो वापिस मर जाएंगे।